मैं हूं स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल और आज हम कंपेयर करेंगे मेरी पुरानी किट बैग जो मैं स्टेट के लिए खेल रही थी, इंडिया के लिए खेल रही थी, उसमें क्या क्या सामान है वर्सेस मेरी नई किट बैग जो मैं अब एज अ कोच यूज़ करती हूँ। सो प्लेइंग करियर, कोचिंग करियर, पुरानी नई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, स्टे टिल द एंड। ऐसे ही कूल क्रिकेट टिप्स देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और पहले इस किट बैग को खोलते हैं। सो यू कैन जस्ट स्टे हियर। इस किट बैग को आप देख सकते हो कि ऊपर महाराष्ट्र का लोगो लिखा है, नीचे महाराष्ट्र का लोगो है। सो ये जो मैं स्टेट के लिए खेल रही थी वो वाली किट बैग है एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी पुराने कंडीशन में है। व्हील्स वाली किट बैग है क्योंकि बहुत सारा सामान होता था, सो आई यूज़ टू यूज़ अ व्हील्स वाली। इसका हैंडल टूट गया है, अब मैं इसे सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ। तो लेट्स अनपैक एंड सी उसके अंदर क्या क्या है। टॉप ऑफ द बैग होगा एक बहुत अच्छी क्वालिटी का नया बॉल। ये एक SG टेस्ट बॉल है क्योंकि एज अ बॉलर, मेनली फास्ट बॉलर थी मैं, अपने टीम के लिए बैटिंग भी ओपन की है मैंने, बट एज अ बॉलर दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वॉज ऑलवेज इन माई किट बैग, एक ब्यूटिफुल अच्छे सीम वाला नया बॉल। अगले आइटम्स हैं मेरे बैट्स और उस समय जब मैं खेल रही थी बास या वैम्पायर, इनका कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, सो आई हैव अ लॉट ऑफ बास बैट्स। सो ये एक पुरानी बास बैट है, काफ़ी मतलब पुरानी हो चुकी है, पर इसको थोड़ा सा नया बनाना बहुत ज़रूरी बन गया है। ये एक बैट होती थी मेरे पास और ये भी एक बास की ही बैट है और ऐसी ही पुरानी कंडीशन में थी, मगर जी बैट ने उसे बिल्कुल साफ करके नए जैसे बनाया है। अगर आपको देखना है कि पुराने बैट को नए कैसे करते हैं अगर आपको देखना है कि पुराने बैट को नए बैट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वाला वीडियो आप क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। सो दो बैट्स तो होते थे मेरे पास, उसमें हेलमेट और हेलमेट के अंदर मैं बैंडाना पहनती थी क्योंकि काफ़ी पसीना आता था और ये हेलमेट भी काफ़ी पुराना हो चुका है, आप देख सकते हो। ये मेरे प्लेइंग डेज का हेलमेट था। बास के ग्लव्स, बहुत ही अच्छे ग्लव्स बनाते हैं बास वाले लोग, सो ग्लव्स होते थे। उसके साथ ऑफ कोर्स बैटिंग लेग गार्ड्स, ये मेरे इंडिया के लिए खेलने वाले लेग गार्ड्स है इसलिए ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर। तब डार्क ब्लू किट होता था हमारा, आई एम श्योर आई कैन फाइंड अ फ्यू फोटोज ऑफ माय इंडिया डेज। सो दीज वर आल्सो फ्रॉम बास कंपनी। उसके साथ ग्रिप कोन, थाई पैड, इनर थाई पैड, पूरा खेलने वाला किट, ग्रिप कोन बैट पे ग्रिप लगाने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और मेरे सबसे प्यारे, मेरे शूज, मेरे स्पाइक्स। सो आई हैव टू पेयर्स ऑफ स्पाइक्स। ये नाइकी के हैं स्पाइक्स, जो ज़्यादा हाई एंकल वाले स्पाइक्स नहीं हैं और यू कैन सी मेरे हमेशा शूज़ पे आगे एक होल होता है, सो ये एक चीज़ हमेशा मेरे किट बैग में होती है। एंड वन मोर पेयर ऑफ स्पाइक्स, ये नए स्पाइक्स हैं, इन्हें मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो आजकल अगर मैं मैचेस खेलती हूँ, अगर मैं बॉलिंग वोलिंग करती हूँ तो मैं ये स्पाइक्स यूज़ करती हूँ। ये भी नाइकी के हैं एंड एज यू कैन सी दैट क्वाइट न्यू एंड शाइनी। नीचे कमेंट करो कि इस सारे सामान में से आपका फेवरेट सामान क्या है और अब मूव ऑन करते हैं मेरे कोचिंग किट बैग पे। स्पीकिंग ऑफ कोचिंग, अगर आप लोगों को मुझसे कोचिंग लेना है, जैसे मैंने कहा आई एम योर ऑनलाइन क्रिकेट कोच, आप ये वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड तक देखना, आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगे कि आपको मुझसे कोचिंग कैसे मिल सकती है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट कोचिंग किट बैग में क्या है। ऑफकोर्स सामान अलग है क्योंकि काम अलग है, सो आई डोंट हैव हेलमेट, लेग गार्ड्स वगैरह नहीं है। सबसे पहले है मेरी बैट, ये करंट बैट है मेरी, एक जी बैट यूज़ कर रही हूँ। इसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू बाकी है, पर एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड बैट है। इसके साथ मैं ज़्यादातर कैचेस मारने का काम करती हूँ, सो अ वेरी गुड बैट फॉर दैट। फिर होता है मेरा सॉफ्ट बॉल ग्लव, क्योंकि जैसे एज अ कोच एक हाथ में सॉफ्ट बॉल ग्लव, एक हाथ में बैट, फील्डिंग प्रैक्टिस में जब देती हूँ ये ऐसे 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 तैयार हो जाती हूँ मैं। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट मेरे कोचिंग करियर में। मेरे पास अपने पर्सनल सेट ऑफ स्टम्प्स होते हैं,
जब मैं खेलती थी सब कुछ अरेंज्ड होता था मेरे लिए, पर नाउ एज अ कोच मुझे अरेंज करना पड़ता है सब कुछ. वन मोर पेयर ऑफ ग्लव्स, ये भी बास के ग्लव्स हैं, क्योंकि कैचेस देते समय आई ऑलवेज वेयर ग्लव्स एज फार एज पॉसिबल. और बहुत सारे बॉल्स, क्योंकि जैसे कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ अरेंज करना है, तो अलग अलग टाइप के बॉल्स, वाइट बॉल, पिंक बॉल, टेनिस बॉल, ओल्ड बॉल्स, ऑरेंज बॉल्स, बहुत सारे बॉल्स ऐसे. हाँ, मल्टी डायरेक्शनल बॉल्स, इसका भी एक अच्छा वीडियो बनेगा, इसका भी एक वीडियो बनाना चाहिए. मोर बॉल्स. और इसमें होता है साइड पॉकेट में मेरी योगा मैट, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लेट के एक्सरसाइज करना पड़ता है ग्राउंड पे इवन एज अ कोच. स्किपिंग रोप, थेराबैंड, क्योंकि एज अ कोच बहुत सारे थ्रोज करती हूँ मैं जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बैटिंग कराती हूँ, सो मेरे शोल्डर स्ट्रांग रखने के लिए थेराबैंड यूज़ करती हूँ. और मेरी हैट, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी की हैट है, जहाँ पे अभी राहुल द्रविड़ हेड है NCA के. जब मैं NCA में थी तब मुझे ये हैट मिली थी, एंड दिस इज़ वॉट आई यूजली वेयर वेन आई एम कोचिंग. तो जब खेलती थी तब एक व्हील्स वाली किट बैग यूज़ करती थी. अब जो कोचिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सामान कम है, तो मैं एक बैकपैक स्टाइल किट बैग यूज़ करती हूँ. नाउ रिमेंबर, अगर आपको क्रिकेट खेलना है और अगर आपको क्रिकेट इम्प्रूव करना है तो इतना सारा किट आपका आपको ओन करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने क्रिकेट विद स्नेहल ऑनलाइन अकेडमी मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाया है, इस प्रकार से सिखाया है कि आपके पास सिर्फ एक बैट और एक टेनिस बॉल होगा घर पे, तो आप घर पे क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक आई सेड, ये वीडियो में आप सीख सकते हो कि आप घर पे कैसे अपनी बैटिंग इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट गोइंग टू क्रिकेट अकेडमी, विदाउट हैविंग ऑल सच एक्सपेंसिव किट. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक करना और कॉमेंट ज़रूर करना कि आपका फेवरेट आइटम क्या है. आई एम श्योर ये वीडियो पसंद आया होगा, एवरीवन लव्स किट वीडियोस, तो गिव मी अ बिग थम्स अप ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट.